अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके किसी भी ओल्ड फ़ोन के अंदर ये यूट्यूब अपडेट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आपके सेटअप प्ले स्टोर की मदद से भी आप अपडेट करते हैं तो ये मसला हल नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको इसका तरीका बता दूंगा। आप विदाउट फॉर्मेट आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम यूट्यूब को ओपन करते हैं तो ये अपडेट वाला ऑप्शन आ जाता है और ये हमारा मसला प्रॉब्लम जो है ये हल नहीं हो रही, ठीक है। आपने क्या करना, आपने गूगल के अंदर चला जाना है, आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने एक वेबसाइट का नाम लिख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर लिख लेना है राइज रोम। जैसे ही आप राइज रोम लिखेंगे, इसे आपने सर्च कर लेना है और जैसे ही ये ओपन होगी तो ये आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ से आपने इसको नीचे ले जाना है मुकम्मल, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना है कंप्लीट। और जितने भी ओल्ड फ़ोन हैं सैमसंग के, ओप्पो के, जिनके अंदर यूट्यूब वर्क नहीं कर रही, वो आप इस तरीके से यूट्यूब को चला सकते हैं। आपने यूट्यूब लाइट V1.1 वर्जन, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट के ज़रिए, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये डाउनलोड होगा, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर YouTube वर्किंग करनी शुरू हो गई है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर YouTube चलना शुरू हो गई है, ठीक है। जितने भी ओल्ड फ़ोन हैं आप इस तरीके से YouTube चला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।